तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी सिलाई मशीन सही नहीं चल रही है तो इसको घर बैठे कैसे सही करें। तो होता क्या है, जब हम सिलाई करते हैं तो हमारी मशीन में कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि कभी कभी कुछ इस तरह की सिलाई आती है, ये देखें, ये लच्छा टाइप का आता है। कभी कभी कुछ इस तरह से सिलाई आती है और कभी कभी क्या होता है, मशीन बहुत लंबा लंबा टाप करने लगती है। ये देखें, कुछ इस तरह से टाँका छोड़कर चलती है, ये देखें कुछ इस तरह से टाप करती है। उसके बाद एक प्रॉब्लम ये होती है, जब आप मशीन चला रहे होते हैं तो आपकी सिलाई मशीन धागा तोड़ना शुरू कर देती है। तो ये धागा कई बार सुई से टूटता है, कभी कभी नीचे से भी धागा कटने लगता है, पर ज़्यादातर क्या होता है, धागा सुई से ही टूटता है। ये देखें कुछ इस तरह से धागा टूटता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम कपड़े पर किनार की सिलाई चलाते हैं तो कुछ इस तरह की सिलाई आती है। कभी तो सिलाई अंदर को हो जाती है और कभी बाहर को जाकर सिलाई उतर जाती है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें कुछ इस तरह से सिलाई उतर जाती है। तो हम आपको ये भी बताएंगे ये बॉबिन केस क्यों ख़राब होती है और इसको कैसे सही करें। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सारी प्रॉब्लम का सॉल्व लेकर आए हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो इनमें से अगर आपकी मशीन में कोई भी कमी है तो आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से घर बैठे मशीन सही कर पाएंगे। तो आपकी सिलाई मशीन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आप ऑयलिंग करेंगे, यानी मशीन में तेल डालेंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है मशीन में ऑयलिंग करने का, तेल डालने का सही तरीका क्या है। उसके बाद आपको यहाँ से धागा भी चेक कर लेना है। तो आप यहाँ से चेक करके देखेंगे आपका धागा यहाँ से फंस तो नहीं रहा है, ये देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपकी सिलाई मशीन टाइट चल रही है, यानी जाम चल रही है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मशीन बहुत भारी चल रही है। तो जैसे कि आप लोग जब मशीन पैर से चलाते हैं, बिना मोटर के मशीन चलाते हैं, तो आपको पैरों से बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ती है और आपके पैर बहुत जल्दी थक जाते हैं क्योंकि आपकी मशीन टाइट चल रही है। तो इसको कैसे सही करें, आपको क्या ध्यान देना होगा। तो देखें, ये जो मशीन का व्हील होता है, जो मशीन का पहिया होता है, इसके बीच में एक गैप होता है, जैसे कि मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा। आपको ये पता लगाने के लिए व्हील को कुछ इस तरह से आगे पीछे करना होगा तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अगर धागा वगैरह होगा तो यहाँ पर आपको धागे का सिरा दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर धागा निकाल देंगे, सफाई कर देंगे। अगर कोई कचरा वगैरह है तो आप उसको भी सफ़ा कर दें। और उसके बाद यहाँ पर आप ऑयल लगा देंगे, यानी तेल डालेंगे। उसके बाद आप व्हील को घुमाएंगे। फिर भी अगर सिलाई मशीन टाइट चल रही है तो आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी आपको चेक कर लेना है कि यहाँ भी धागा वगैरह तो नहीं फंस गया है। कभी कभी हमें पता नहीं चलता है और हमारा धागा यहाँ भी फंस जाता है। तो अगर यहाँ भी धागा वगैरह फंस गया तो यहाँ से भी आप धागा निकाल देंगे और यहाँ भी आप ऑयल डालेंगे। उसके बाद फिर भी अगर आपकी सिलाई मशीन टाइट चल रही है तो क्या करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पेच है ना, ये देखें इस तरह, तो इस पेच को आप थोड़ा सा लूज़ करेंगे, ज़्यादा लूज़ नहीं करेंगे, कुछ इस तरह से घुमाएंगे बाहर की ओर। तो व्हील को हाथ से पकड़ेंगे और इस तरह से घुमाएंगे बाहर की ओर, ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। उसके बाद अगर फिर भी टाइट चल रही है तो आपको क्या ध्यान देना होगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मशीन का सेटल होता है और आप यहाँ देखेंगे तो ये तीन पेज दिए गए हैं, देख सकते हैं, एक पेज और ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज। तो यहाँ पर तीन पेज दिए गए हैं और इन्हीं पेज के बराबर में यहाँ पर थोड़ा गैप होता है, ये देखें यहाँ पर। तो कई बार क्या होता है, यहाँ भी बीच में धागा फंस जाता है, कचरा वगैरह फंस जाता है, तो इस वजह से भी आपकी मशीन टाइट होती है और जाम चलने लगती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से धागा निकाल देना है। अगर धागा फिर भी नहीं निकल रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जो पेज दिए गए ना, इन पेज को थोड़ा सा लूज़ करेंगे, इनको यहाँ से इस तरह से खोलेंगे इस तरह से, और जब पेज लूज़ हो जाएंगे तो आप सेटल को थोड़ा इस तरह से बाहर की ओर करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप सेटल को इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर गैप बन जाएगा, तो धागा बड़ी आसानी से निकल जाएगा और जो भी कचरा वगैरह है वो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सफाई करने के बाद ऑयल लगाएंगे और जिस तरह से सेटल लगा हुआ था सेम उसी तरह से सेटल को दोबारा से कस देंगे। उसके बाद जब आप मशीन चलाकर देखेंगे तो आपकी मशीन बिल्कुल मुलायम चलेगी और बिल्कुल भी टाइट नहीं चलेगी। उसके बाद एक प्रॉब्लम ये होती है, जब हम इस तरह से धागा पकड़ते हैं और हमने नीचे का धागा ऊपर के लिए उठाना होता है, तो देखें हम इस तरह से सुई को नीचे करते हैं और जब हाथ से व्हील को इस तरह से चलाते हैं तो नीचे वाला धागा साथ में ऊपर आ जाता है, पर यहाँ पर धागा ऊपर नहीं आ रहा है, ये देखें इस तरह से। मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूँगा, ये देखें, इस तरह से आप नोटिस करें, ये देखें, यहाँ से नीचे का धागा ऊपर नहीं आ रहा है। देख सकते हैं जो ये वाला पेज है जिससे हमारी नीडल रुकी हुई है, हमने इसको थोड़ा सा लूज़ करना है, इस तरह से हमने इसको अपनी तरफ को घुमाना है, ये देखें, पेज कस लगाने के बाद हम इसको अपनी तरफ घुमाएंगे, ये देखें। अब इस पेज को ज़्यादा नहीं घुमाना है, सिर्फ सुई को लूज़ करना है, इतना घुमाना है हमारी सुई जो है, नीडल जो है ऊपर नीचे होती रहे। तो हमने क्या करना है, नीडल को थोड़ा सा नीचे करना है, एक सूत से भी कम करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है। तो हमें जब इस तरह से पकड़ेंगे तो ये ऊपर को जाकर रुक जा रही है, तो हमने यहाँ पर ये अंदाज़ लगाना है, हमने थोड़ी सी नीचे ले आना है इस तरह से। उसके बाद हमने इसको दोबारा से कस देना है। और उससे पहले एक चीज़ और चेक कर लेना है, हमने ये देखना है, जब हमने निडल जो लगाई है ना, तो जो निडल में इस तरह से जो खांचा बना होता है, तो ये खांचा बाहर की ओर होना चाहिए, ना कि साइड से होना चाहिए, ना इस साइड में होना चाहिए, ये खांचा इधर की ओर होना चाहिए, बाहर की ओर, यानी सामने की ओर, ठीक है। तो देखें, अब हम दोबारा से धागा उठाने की कोशिश करेंगे,
ये देखें, तो देखिए ये वाइट कलर का धागा है, देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ धागा उठकर ऊपर आ चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल और छोटी सी ट्रिक है। तो जो ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आपने लास्ट का वीडियो नहीं देखा तो ये ट्रिक काम आने वाले नहीं है, तो ये ट्रिक काम नहीं करेंगे, तो इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो लास्ट में बताया है अगर आपने वो नहीं देखा तो आपके ये जो पहले वाले ट्रिक्स मैं जो बता रहा हूँ ये ट्रिक भी नहीं काम करने वाले, ठीक है। तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं अगर आपकी सिलाई मशीन बार बार धागा तोड़ रही है तो उसके लिए क्या करें। तो अब देखिए धागा तोड़ने की भी दो वजह होती हैं। कई बार क्या होता है सुई के पास से धागा टूटता है और कई बार नीचे से बॉबिन से धागा कट जाता है। और ज़्यादातर क्या होता है सुई से धागा कटता है, ऊपर से धागा कटता है, ठीक है। तो हम आपको दोनों के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे सुई से धागा क्यों कटता है। तो देखें जब सुई से धागा टूटता है तो मैं ट्रिक बताने से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आप सबसे पहले नीडल को निकाल कर चेक कर लेंगे नीडल सही लगी है गलत तो नहीं लगी है। जैसा कि मैंने वीडियो को शुरू में बताया था ये जो खांचा होता है ना, यहाँ पर एक खांचा होता है, तो ये खांचा इधर के लिए होना चाहिए सामने के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है नीडल को खोल लेना है, ठीक है। तो देखिए हमने नीडल को यहाँ से खोल दिया इस तरह से। जो नीडल की ये वाली साइड होती है जो हम इस तरह से ऊपर को लगाते हैं ना, तो ये वाली साइड हमने क्या करना है किसी पत्थर के ऊपर इस तरह से घिस लेना है। इस तरह से घिसेंगे, ये देखें थोड़ी यहाँ पर ताकत लगाना पड़ेगी। तो कोई पत्थर ले लेंगे उस पत्थर के ऊपर आप घिसेंगे, या कोई दीवार वगैरह या किसी फर्श वगैरह पर आप इस तरह से घिसेंगे, ठीक है। तो इससे घिसने से क्या होगा आपकी सुई की लंबाई थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो एक चीज़ और ट्राई कर लीजिए, आप नीडल को चेंज करके देख लीजिए। जैसे कि ये सुई जो लगी है आपने क्या करना है इसका नंबर चेक करना है एक बार। तो जिस नंबर की नीडल आप चला रहे हैं आपने उससे चेंज कर देना है, यानी दूसरे नंबर की नीडल चलानी है। अगर फिर भी आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो आपने क्या करना है इसको घिसना होगा इस तरह से, यानी सुई को थोड़ा ऊँचा कर देना है। वैसे तो ये करने के लिए हमने क्या होता है गज को थोड़ा ऊपर करना होता है। तो अगर आप सुई को नहीं घिसना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस और है, जो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गज को रोकने के लिए यहाँ पर एक पेज दिया गया होता है। तो आपने क्या करना है इस पेज को थोड़ा लूज करना है। तो ये काम सब लोगों से नहीं हो पाता है क्योंकि ये पेज कई बार खुलता भी नहीं है, तो बिगनर्स यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सुई घिसने को बोल रहा हूँ क्योंकि हमने सुई को थोड़ा ऊँचा करना है। तो अगर आप सुई नहीं घिसना चाहते हैं तो इस पेज को थोड़ा लूज़ करेंगे, और पेज जब लूज़ हो जाएगा तो ये गज जो है ना इसको चाहे आप जितना भी ऊपर कर लें जितना नीचे कर लें तो ये आसानी से ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपने क्या करना है गज को थोड़ा सा करीब एक सूत से कम ऊपर को खिसका देना है। ये पेज ढीला करने के बाद दोबारा से आप इस पेज को यहाँ से कस देंगे तो आपको सुई को नहीं घिसना पड़ेगा। अगर आपसे ये पेज नहीं खुल रहा है, अगर आप ये पेज नहीं खोलना चाह रहे हैं सुई को घिस लें, तो आपकी मशीन सुई से कभी भी धागा नहीं तोड़ेगी। तो अब बात करते हैं अगर आपकी मशीन नीचे से धागा काट रही है यानी बॉबिन से धागा कट रहा है तो इसके लिए क्या करें। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमने ये पेज खोल देने हैं पहले। जो ये वाला होल होता है जहाँ से बॉबिन का धागा निकल कर आता है, मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा, ये देखें। तो कई बार क्या होता है मशीन चलते चलते इसमें कुछ दरारें पड़ जाती हैं, धार जैसे बन जाती है। तो आपने क्या करना है एक सीख लेना है, जो नॉर्मली हमारे घर पर झाड़ू होती है, ये देखें। अब तो खैर ये झाड़ू सबके पास नहीं होती है, पहले यही झाड़ू चलती थी। तो आपने ये वाली सीख लेना है टाइट वाली। तो हमने क्या करना है इस होल के अंदर डालना है इसको इस तरह से, ये देखें इस तरह से डालेंगे। तो अब यहाँ पर आकर ये देखें ये सीख टाइट हो गई, ये देखें जहाँ पर ये टाइट हो जाएगी ना तो हम इसको इस तरह से आगे पीछे करेंगे, ये देखें यहाँ। तो हमने सीख को पकड़ लिया है इस तरह से, हमने ऊपर नीचे अप डाउन करना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद हमने इस सीख को इस तरह से घुमाना है। तो होगा क्या जो इसके अंदर जो होल में जो किनारे बन गई हैं वो किनारे शायद ख़त्म हो जाएंगी, काफ़ी हद तक वो किनारे ख़त्म हो जाएंगी। और जब किनारे बनी होती हैं तो उन्हीं किनारों से ही धागा कट कर आता है, इसी वजह से नीचे का धागा कट जाता है। और दोनों साइडों को घुमा लेना है इस तरह से, आप चाहें तो इस तरह से घुमा भी सकते हैं, ये देखें, ठीक है। फिर भी अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, अगर ज़्यादा बड़ा होल हो गया है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर भी नीचे से धागा काट रही है तो हमने बॉबिन केस को चेक कर लेना है एक बार। तो आपको यहाँ पर चेक करना है धागा थोड़ा टाइट तो नहीं आ रहा है, धागा थोड़ा झटके से फंस कर तो नहीं आ रहा है। तो अगर फिर भी सही है और फिर भी धागा काट रही है तो आप क्या करें ना आप एक बार बॉबिन को चेंज करके देख लें। तो अब बात करेंगे अगर आपकी सिलाई मशीन कुछ इस तरह से लच्छा दे रही है, अगर इस तरह से चल रही है, या ये वाली सिलाई भी हो सकती है कुछ इस तरह की सिलाई भी आती है, और कभी कभी यहाँ पर छोटा छोटा दाना होता है, दानेदार सिलाई आती है, तो इसको कैसे सही करें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा हम आपके लिए जो भी वीडियो तैयार करके देते हैं तो हम इस पर पहले रिसर्च करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत से वीडियो तैयार किया जाता है। तो अगर आपको हमारे वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सिलाई कभी तो ऊपर से ख़राब आती है और कभी नीचे से ख़राब आती है। तो होता क्या है कभी ऊपर की सिलाई सही होती है तो नीचे से कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी क्या होता है जब नीचे की सिलाई सही होती है तो ऊपर से कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा अगर ऊपर की सिलाई ख़राब आ रही है तो समझ लीजिए नीचे की प्रॉब्लम है, यानी बॉबिन केस या सेटल में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर नीचे की सिलाई ख़राब आ रही है ऊपर की सिलाई सही आ रही है
तो आप समझ जाइए यहाँ से कोई प्रॉब्लम है, या इसका गज खराब है, या गज हिल रहा है, या ये वाला पार्ट्स भी खराब हो सकता है। कई बार ये भी लूज होता है और हिलने लगता है, ठीक है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो पहले हम बात करेंगे अगर नीचे की सिलाई खराब आ रही है तो इसको कैसे सही करें, क्योंकि ये सिलाई हमने ऊपर से सही करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया था, पहले ऑयलिंग कर लेनी है और मशीन की सारी सफाई कर लेनी है, और आपको देख लेना है धागा सही होना चाहिए। यहाँ से धागा फंस तो नहीं रहा है, कुछ इस तरह से आप चेक करके देखेंगे, ये देखें। और कई बार मशीन चलते चलते यहाँ से भी फंदा पड़ जाता है, तो इस वजह से भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ भी आप चेक कर लेंगे। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर, नीचे की सिलाई खराब आने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है, ये देखें यहाँ से प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे, ये देखें, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर कोई कचड़ा वगैरह तो नहीं फंसा है, इसके अंदर कोई धागा वगैरह तो नहीं फंसा है। जहाँ पर ये जो हमारा धागा चलता है ना बीच में, इन प्लेट्स को हमने अलग करके देखना है, इस तरह से हिला देंगे। और आप इस तरह से भी हिला सकते हैं, और आप फूंक मार सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी करीब 2-3 बूंद ऑयल लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या चीज़ ध्यान देना है, अब यहाँ से आपको चेक करके देखना है आपका धागा लूज़ या टाइट तो नहीं है। अगर धागा लूज़ आ रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा टाइट करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे, और अगर थोड़ा टाइट आ रहा है तो आप इस तरह से यहाँ से थोड़ा लूज़ कर देंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये देखना है, धागा ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से आप चेक करके देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी होती है, कई बार क्या होता है जब मशीन चलाते होते हैं तो ये जो स्प्रिंग जो तार होता है जिसको टांसन का तार बोलते हैं, तो इसमें से कई बार धागा इधर को साइड को निकल जाता है और कई बार इधर भी साइड से निकल जाता है। तो इस वजह से मशीन सही नहीं चलती है, क्योंकि सिलाई में फिनिशिंग लाने के लिए इस तार का बहुत अहम रोल होता है, तो इसकी वजह से ही सिलाई में फिनिशिंग आती है। तो आपने क्या करना है, अगर धागा बार बार निकल रहा है ना, तो आपने इसको इस तरह से यहाँ से इस तार को दबा देना है। कभी कभी होता क्या है, मशीन चलते चलते इसका राउंड ज़्यादा हो जाता है, यानी इसका मुंह बड़ा हो जाता है, तो हमने इसको दबाकर इसका मुंह छोटा कर देना है, यानी इसका राउंड कम कर देना है। ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं दबाना है, तो तार भी ना टूट जाए। तो आप देख लेंगे पहले के मुकाबले आपने थोड़ा सा कम कर देना है इसको। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, जब हम मशीन चलाते होते हैं तो ये तार जो होता है ना, ये ऊपर नीचे होता रहता है। जब धागा इस तरह से आता है ऊपर को तो ये ऊपर चला जाता है, और जब यहाँ से धागा लूज पड़ता है तो ये नीचे को आ जाता है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी ये वाला तार ऊपर को टंगा रह जाता है, यानी ऊपर ही रह जाता है, नीचे को नहीं आता है, कभी नीचे को आ जाता है, कभी नहीं आता है, तो इस वजह से सिलाई सही नहीं आती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको यहाँ से इस तरह से अलग करेंगे, और यहाँ पर आपको तार को हिला देना थोड़ा इस तरह से, ये देखो। उसके बाद इस तरह से करके देखेंगे तो तार आपका सही से ऊपर नीचे हो रहा है, ये आपको देख लेना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं इसकी फुल रिपेयर फुल सेटिंग कैसे करें, तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। ये जो मशीन की झांझ होती है, इसको घर बैठे कैसे सही करें, पुराने तार को कैसे सही करें, या नया तार डालें तो कैसे डालें, और इस स्प्रिंग को कैसे सही करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ये स्प्रिंग भी थोड़ा लूज़ पड़ जाता है। तो अगर आपका स्प्रिंग लूज़ पड़ गया तो उसको भी समझ लीजिए यहाँ से आप। तो हमने जब यहाँ से धागा टाइट करना होता है तो इस स्प्रिंग का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि इस स्प्रिंग के दबने से ही यहाँ से प्रेशर पड़ता है, तो इस प्रेशर की वजह से धागा टाइट हो जाता है। पर जब स्प्रिंग लूज़ हो जाता है तो ये धागा यहाँ से टाइट भी नहीं हो पाता है और बहुत ज़्यादा लूज़ रहता है। तो अगर आपका ये स्प्रिंग लूज़ पड़ गया तो आप खींच कर इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे उसको, ठीक है, उसके बाद ये आपका स्प्रिंग सही हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है स्प्रिंग सही नहीं है तो आप नया स्प्रिंग लाकर लगा सकते हैं। उसके बाद स्प्रिंग को यहाँ पर हम लगा देंगे सही से, ये देखें, फिर आप यहाँ पर चेक करके देखेंगे, यहाँ पर आपका धागा सही होना चाहिए, ज़्यादा लूज़ भी ना हो, ज़्यादा टाइट भी ना हो। तो ये तो बात हो गई अगर नीचे की सिलाई ख़राब आ रही है तो कैसे सही करें, ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात आती है अगर आपकी ऊपर की सिलाई ख़राब आ रही है तो कैसे सही करें। बॉबिन केस को बाहर निकाल लेना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बॉबिन केस से ही होती है। पहले तो आप इस तरह से देखेंगे, हमारा धागा ज़्यादा लूज़ या टाइट तो नहीं है। तो आपको ये देखना है, जितना टाइट ये वाला धागा है, यानी जितना लूज़ या टाइट जितना ये धागा है, उतना ही बॉबिन का होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका धागा ज़्यादा लूज़ है तो आप इस पेंच को यहाँ से कस देंगे तो आपका धागा टाइट हो जाएगा, और अगर आपका धागा ज़्यादा टाइट है तो आप थोड़ा सा लूज़ कर देंगे तो यहाँ से आपका धागा लूज़ हो जाएगा। और अगर पेंच कसने के बाद भी आपका धागा लूज़ है, टाइट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस पत्ती को खोल देना है और यहाँ नीचे की सफाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दो पेंच लगे होते हैं ना, इसे खोल कर पत्ती की सफाई कर देंगे और पत्ती को थोड़ा सा नीचे को मोड़ देंगे, पत्ती को इस तरह से दबाएंगे। ये जो पत्ती लगी होती है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें, बस ये पत्ती से ही प्रॉब्लम होती है, ये पत्ती ख़राब होने से ही धागा सही नहीं आता है। तो आपको अगर आपका धागा ज़्यादा लूज़ है तो आप इस पत्ती को खोलने के बाद थोड़ा सा नीचे को दबा देंगे। क्या कभी कभी धागा झटके से आता है, कभी फंस कर आता है, कभी टाइट होता है, तो कभी लूज़ होता है। तो अगर आपकी ये पत्ती खुलकर सही हो जाएगी तो आपके इस तरह की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ भी चेक कर लेंगे, ये जो किनार होती है जिसमें हमने धागा भरा होता है ना, इसकी किनार भी कई बार मुड़ जाती है, और किनारे टेढ़े होने की वजह से यहाँ पर ये बॉबिन सही नहीं चलती है। तो इसकी किनार अगर मुड़ी हुई है तो आप इसको फरस पर इस तरह से घिस लेंगे, ठीक है, इस तरह से घिस लेंगे तो किनार सही हो जाएगी। अगर आपके पास दूसरी बॉबिन पड़ी है तो आप दूसरी लगा
लगवा दें, उसके बाद आप चलाएंगे तो आपकी मशीन सही चलेगी। और यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पर किसी कपड़े से सफाई कर देंगे, कई बार यहाँ भी कचरा वगैरह फंस जाता है, और उसके बाद यहाँ भी 2-3 बूंद ऑयल लगा देंगे यानी तेल लगा देंगे। उसके बाद आपको धागे की सेटिंग कर लेना है, बस आपको ये चेक करना है इस तरह से दोनों धागे एक जैसे होना चाहिए, जितना टाइट ये वाला धागा है उतना टाइट ये वाला होना चाहिए, तो जितना लूज़ ये वाला है तो उतना ही लूज़ ये वाला होना चाहिए। उसके बाद आप मशीन चलाकर देखेंगे तो आपकी मशीन बिल्कुल सही चलेगी। तो देखें अब बात करते हैं, जब हम किनार की सिलाई लगाते हैं तो ये सिलाई सीधी नहीं लग पाती है, कभी तो अंदर को तिरछी हो जाती है, कुछ इस तरह से सिलाई लगती है, और कभी कभी क्या होता है ये सिलाई बाहर को उतर जाती है तो ये सिलाई सही नहीं लग पाती है। तो इसका क्या कारण होता है, क्या वजह होती है, पहले वो जान लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है बूट से, जो हमारा बूट होता है मोटा कपड़ा आने की वजह से हमारा बूट घूम जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये इस तरह से घूमता भी है। देखें आप किसी भी साइड को इस तरह से इसको घुमा सकते हैं, तो कभी कभी थोड़ा तिरछा हो जाता है तो इस वजह से सिलाई सही नहीं लगती है। यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा रखना है इसको इस तरह से। आपको कैसे पता लगाना है कि हमारा बूट बिल्कुल सीधा है, तो ये देखें कि जो बीच में जो होल दिया गया है तो ये होल इस बूट के सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल बीच में होना चाहिए, ना कि एक साइड को हो, ठीक है। तो अब जैसे कि आपका बूट तिरछा भी नहीं है, बिल्कुल सही है, और फिर भी आपकी सिलाई टेढ़ी लग रही है, सही नहीं लग रही, तो आपको क्या चेक करना है, तो देखें हमने इस तरह से बूट को उठाना है ऊपर, हमने लेफ्ट और राइट में इस तरह से चेक करना है। तो अगर इस तरह से आपका बूट हिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये तो नहीं हिल रहा है, तो अगर आपका बूट खराब होगा तो ये हिलता होगा। अगर आप इस तरह चेक करेंगे तो ये दोनों साइड को इस तरह से थोड़ा थोड़ा मूव होगा, यानी घूम रहा है, ठीक है। तो समझ लीजिए आपका बूट खराब है, तो आप बूट चेंज कर दीजिए। तो बस इसी वजह से आपकी सिलाई उतरती है। और अगर यहाँ से ये नहीं हिल रहा है तो आपको ये देख लेना है, यहाँ पर सेंटर में इसको बूट को रखना है इस तरह से, और ये जो होल है ये बीच सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद अगर आप सिलाई लगाएंगे तो आपकी सिलाई कभी भी तिरछी नहीं लगेगी और बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी। अब कभी कभी क्या होता है, आप कहते हैं हमारी सिलाई मशीन कपड़ा आगे को नहीं बढ़ा रही है, हम मशीन चला रहे हैं पर धीरे धीरे कपड़ा बढ़ रहा है और वहीं पर कपड़ा फिसल रहा है, यानी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे को नहीं बढ़ रहा है। तो देखें इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बूट चेक कर लेना है। तो बूट चेक कैसे करना है, इस तरह से खोलने के बाद आप नीचे से देखेंगे, अगर नीचे से यहाँ पर गड्ढा पड़ गया है तो समझ लीजिए आपका बूट खराब है, तो आप बूट को चेंज कर दीजिए। अगर आपका बूट सही है फिर भी आपका कपड़ा फिसल रहा है और कपड़ा आगे को नहीं बढ़ रहा है तो आपने क्या करना है समझ लीजिए। तो देखें जब हम स्टिचिंग करते हैं इस तरह से कपड़े को बूट के नीचे दबाते हैं इस तरह से, ये देखें, तो ये हमने कपड़ा नीचे दबा दिया, तो हमने कपड़े को इस तरह से पकड़ कर देखना है कपड़ा खींच तो नहीं रहा है। तो देखिए अगर आप इस तरह से पकड़ेंगे तो देखिए ये कपड़ा खींच रहा है, ये देखिए, अगर मैं इधर को पकड़ूंगा तो देखिए इधर को भी बहुत ही आसानी के साथ ये कपड़ा इस तरह से खींच रहा है, ये देखिए। तो हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, हमने इस तरह से ये वाला पेज खोलना है, ये देखें, थोड़ा लूज़ करना है, अलग नहीं करना है। तो हमने क्या करना है, बूट को थोड़ा सा नीचे कर देना है, ये देखिए बूट अप डाउन होता है इस तरह से, ऊपर नीचे हो रहा है। तो हमने क्या करना है, करीब एक सूत बूट को नीचे कर देना है, तो इस तरह से हमने बूट को नीचे करके लगा देना है, और दोबारा से हम यहाँ पर पेज कस देंगे। तो अब देखिए अभी जो कपड़ा खींच रहा था यहाँ पर, तो देखिए अब ये कपड़ा बिल्कुल नहीं खींच रहा, देखिए मैं जोर लगा रहा हूँ पर ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींच रहा है, तो ये बूट सही है आपका। उसके बाद आप सिलाई करेंगे तो आपकी सिलाई मशीन बिल्कुल सही चलेगी। तो अब देखें मैंने जो वीडियो को शुरू में बताया था, लास्ट में आपको कुछ बताना है, आप लोग वीडियो कट करके ना देखें। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं तो वो ट्रिक्स 100% वर्क करेंगे, 100% काम करेंगे, पर वो ट्रिक काम नहीं भी करेंगे तो वो ट्रिक कब काम नहीं करेंगे वो आप समझ लीजिए। तो कई बार क्या होता है, आप लोग वीडियो सही से नहीं देखते हैं और मेरे ट्रिक के हिसाब से आप लोग मशीन सही करते हैं, तो आपकी मशीन कई बार सही नहीं चलती है, तो आप लोग मुझे वीडियो में आके कमेंट्स करते हैं कि आपकी ट्रिक से मशीन सही नहीं हुई। तो वो सही क्यों नहीं होती, उसका कारण क्या होता है, वो बजाव को जान लेते हैं। देखें जैसे मैंने आपको बहुत सारे टिप्स दिए, मैंने बताया था कि सुई को नीचा करना है या सुई को ऊपर करके लगाना है या बूट को इस तरह से रखना है, ये इस तरह से मैंने बहुत सारी सेटिंग बताई हैं। अब कई बार क्या होता है, मशीन चलते चलते पुरानी हो जाती है और पार्ट्स भी पुराने हो जाते हैं, तो यहाँ पर नए पार्ट्स डालने की ज़रूरत होती है और आप लोग रिपेयर ही करते रहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि रिपेयर करने से ही आपकी मशीन सही हो। तो कई बार क्या होता है, अगर आपका पार्ट्स ख़राब है तो आपको पार्ट्स भी डालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका पार्ट्स ख़राब है और आप रिपेयर कर रहे हैं, सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप नया पार्ट्स नहीं लगाएंगे तो मशीन कैसे सही चलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर सिलाई मशीन धागा तोड़ती है तो उसको कैसे सही करें, तो देखिए मैंने आपको धागा तोड़ने की टिप्स तो बता दी, ट्रिक तो दे दी मैंने आपको, पर अगर क्या होता है, अगर आपके मशीन का गज ख़राब है तो ये गज भी नया डालना पड़ जाएगा। अगर मान लिया गज खराब है, आप लोग सुई से सेटिंग कर रहे हैं, तो मशीन सही नहीं चलेगी। धागा तोड़ने का कारण ये भी हो सकता है, आपका शटल भी ख़राब हो सकता है, शटल की टाइमिंग भी ख़राब हो सकती है, और आपका बूट भी ख़राब हो सकता है, और ये प्लेट्स भी ख़राब हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी सिलाई मशीन का कोई भी पार्ट्स, कोई भी पुर्जा ख़राब हो सकता है। तो मान लीजिए अगर आपकी सिलाई मशीन का कोई भी पार्ट सही नहीं है तो ट्रिक कैसे काम करेगी, कई बार पार्ट्स बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं तो नया पार्ट्स डालना भी ज़रूरी होता है।
तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।